अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। क्लास होप यू आर फाइन। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। क्लास आज हमने करनी है मज़ीद स्केचिंग, जिसमें हमें कुछ ड्रॉ करना है, ठीक है। और जो ड्रॉ करेंगे वो है पेज नंबर सिक्स पे हमने क्या करना है, पहले तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह लिखना है, ठीक है। उसके बाद हमने एक जग और उसके बाद हमने एक एप्पल ड्रॉ करना है, जिसमें हमने हैचिंग एंड एक में हैचिंग करनी है और एक में हमने क्रॉस हैचिंग करनी है, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि स्केचिंग करना कोई आसान काम नहीं होता। जब हम कुछ ड्रॉ करते हैं, कुछ आसान चीज़ें होती हैं और कुछ मुश्किल चीज़ें होती हैं इसमें, ठीक है। सो हमने आज कोशिश करनी है कि हम उसको अच्छे से कर सकें। तो उसके लिए हम स्टार्ट करेंगे पेंसिल से। हमने अल्हम्दुलिल्लाह पे सबसे पहले काम करना है, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब आपने कुछ भी अल्लाह का नाम लिखना है, ठीक है। सो अलिफ जो है वो ड्रॉ करना है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि यहाँ से हम लेंगे ठीक है। उसके बाद यहाँ से ठीक है, और यहाँ से उसके बाद हमने लास्ट में अल्लाह का नाम लिखना है, थोड़ा इसको हम थिन करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा उसको हम यहाँ से भी ठीक है। तो हम ब्लैक कलर करेंगे तो जो बीच के एरियाज है वो तो वैसे भी कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से अल्लाह के नाम को थोड़ा सा हम छोटा ड्रॉ करेंगे ताकि हमारे पूरे एरिया में ये आ जाए, ठीक है। ठीक है, यहाँ से अब हम ये हमारा ये वाला एरिया हो गया और ठीक है, अब हमने ये वाला एरिया ड्रॉ किया, ठीक है। थोड़े यहाँ से मैच करेंगे आप इसमें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये हो गया अल्लाह का नाम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर होगी कंट्रोल ड्राइंग, जिसमें हमने क्या करना है, हैंड ड्रॉ करना है अपनी पेंसिल को लिफ्ट किए बगैर, ठीक है। और ये हमारा यहाँ से यहाँ पर आएंगे ऐसे और यहाँ से हमारा थंब है, दोबारा आएंगे यहाँ पर नेल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर और उसके बाद
फिंगर्स अब यहाँ से और ये हो गया हमारा हैंड डन। ठीक है, क्योंकि हमने पेंसिल लिफ्ट नहीं की थी तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, एक जग ड्रॉ करना है और एक एप्पल ड्रॉ करना है। ठीक है, तो जग के लिए तो सबसे पहले हमें उसकी बॉडी ड्रॉ करनी होगी, हैचिंग और क्रॉस हैचिंग तो बाद में होती रहेगी। ठीक है, सो थोड़ी सी हम यहाँ से इसको मज़ीद कर्व करेंगे। ठीक है, इस तरह से लाएंगे। ठीक है, सो हमने इसको कर्व किया, यहाँ से कर्व करके इसकी ये शेप थोड़ा सा इसको यहाँ से भी कर्व करेंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ से इसका हैंडल ड्रॉ करना है और इसका हैंडल हमने बहुत मोटा ड्रॉ कर लिया। ठीक है, थोड़ा सा इसको थिन करेंगे। ओके, सो हम यहाँ से थोड़ा सा इसको थिन करेंगे ड्रॉ, ताकि हमारा हैंडल भी थिन आए। ठीक है, ठीक है, और यहाँ से ओके। अब हमने क्या करना है, इसमें हैचिंग करनी है इसमें और क्रॉस हैचिंग करनी है। ठीक है, सो हमने यहाँ से हैचिंग करनी है। ठीक है, और ठीक है, अब इस पूरी एरिया में करनी है हैचिंग। ठीक है, ठीक है, और यहाँ से ठीक है, थोड़ा सा उसको यहाँ से हम रिमूव करेंगे इस लाइन को, लास्ट वाली को, और ठीक है, और उसको हम यहाँ थोड़ा सा और ठीक है, अब इस एरिया में करनी है और ठीक है, इसको हम बाद में डार्क कर लेंगे ब्लैक से आउटलाइन देके सबको। ठीक है, उसके बाद हमने ला अब क्या करना है, यहाँ पर एक एप्पल ड्रॉ करना है। ठीक है, एप्पल तो ये हो गया एप्पल। ठीक है, अब हमने आपने देखा होगा कि हम चीज़ों को बहुत रफली ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि हमने इसकी प्रैक्टिस करनी है। कोई भी चीज़ हम जब तक हम उस चीज़ को फर्स्ट टाइम ड्रॉ करते हैं ना, तो फर्स्ट टाइम में वो चीज़ कभी परफेक्ट नहीं बनती। ठीक है, फर्स्ट टाइम के बाद जब उसको हम काफ़ी टाइम ड्रॉ कर लेते हैं, तो उसके बाद फिर हम उसमें परफेक्ट होते जाते हैं। और मैं आप लोगों के लिए, आप लोगों की ईजी रहे, ताकि आप लोगों को मुश्किल नहीं लगे,
कि ये चीज़ हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे और किस तरह से, तो आप रफली ड्रॉ करें फर्स्ट टाइम, ठीक है, बट इतना रफली मत ड्रॉ कीजिएगा कि वो बहुत उसका जो इम्पैक्ट है वो अच्छा ना पड़े, ठीक है। जब हम इसको आउटलाइन देंगे ना तो उसकी जो बॉडी की शेप वगैरह है वो सब बिल्कुल आउटलाइन में परफेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या करना है, पहले आउटलाइन देने के पहले अपना काम करेंगे, उसके बाद हम उसको आउटलाइन देंगे। जिस तरह से हमने अल्लाह का नाम लिखा, अल्हम्दुलिल्लाह लिखा, उसमें भी हम आउटलाइन बाद में देंगे, ठीक है। उसके बाद जो है दूसरी चीज़ें हैं, ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसमें हैचिंग और क्रॉस हैचिंग करनी है, ठीक है। सो ये वाला एरिया जो है हमारा, उसको तो हमने छोड़ दिया, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा मैंने इस एरिया को यहाँ से रिमूव किया और उसको हम थोड़ा कम करेंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक लाएंगे और ठीक है यहाँ तक लेकर आएंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, आउटलाइन तो हम बाद में दे देंगे, इसमें हैचिंग एंड क्रॉस हैचिंग करनी है। तो इसमें हमने क्या करनी है, सिर्फ हैचिंग करनी है, ठीक है। और बहुत लाइटली सब हम इसे ब्लैक कलर से आउटलाइन देकर, ठीक है, इसमें जाकर जाकर जो एरियाज ब्लैक कलर की रिक्वायरमेंट है वहाँ पर हम ब्लैक कलर करेंगे, ठीक है। सो क्लास, हियर इज आवर फाइनल लुक, ठीक है। इस तरह से आपने यहाँ पर हमने ड्रॉ तो कर लिया, पर हमने एक और चीज़ करनी है कि बताना है कि जो लाइंस हमने यूज़ की हैं कौन कौन सी लाइन है, हमने पीछे सीखी हुई है, ठीक है। तो एक तो कंट्रोल लाइन हो गई, ठीक है, जिसमें हमने क्या करना होता है, हमने इसमें पेंसिल को अपनी लिफ्ट नहीं करना होता, उठाना नहीं होता। फिर क्रॉस हैचिंग हो गई, हैचिंग हो गई और कैलीग्राफिक लाइन्स हो गई, ठीक है। इस तरह से हम जो यूज़ किया हुआ है, जो हमने ट्राई किया हुआ है, उसको हम डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें करके अच्छे तरीके से ट्राई कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, क्लास इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।